हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की बर्फी, इसे आप पीठा बर्फी भी बोल सकते हैं। इसे घर पर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल हलवाई स्टाइल की बर्फी दिख रही है। ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है। ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी रेसिपीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे बनाकर ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कैसी बनी। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बनाने के लिए हमें हैवी बेस कढ़ाई लेनी है, या कोई भी आप बर्तन जो भी लें उसे हैवी बेस वाला लीजिए। इसके लिए हमें घी को चारों तरफ ऐसे फैला लेते हैं। अब इसमें हम कसा हुआ कद्दू डालते हैं। हमें अब इस कसे हुए कद्दू को घी में भूनना है, घी में रोस्ट करना है। इतना हमें तब तक करना है जब तक ये अपना पानी नहीं छोड़ दे, जब तक ये सूखा नहीं हो जाए। जब ये इतना कुक हो जाए कि इसमें से पानी एवेपोरेट हो जाए, जब ये सारा कद्दू ड्राई हो जाए ऑलमोस्ट, उस पॉइंट पर हमें इसमें मिल्क ऐड करना है। इसमें हम एक कप दूध डालेंगे। इसे काफी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे कवर करके कुक करने के लिए छोड़ देंगे। ये काफी हद तक इसमें कद्दू कुक हो चुका है। कवर करके रखा था, हमने फुल क्रीम मिल्क लिया था ऑलमोस्ट 1.5 कप। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें व्हाइट व्हाइट थोड़ा सा ये खोआ भी हो चुका है, क्योंकि हमारा मिल्क फुल क्रीम था। कद्दू ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, इसमें फुल क्रीम मिल्क से इसमें मावा भी दिखाई दे रहा है, वो व्हाइट व्हाइट। इस पॉइंट पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये मैंने जस्ट 1/4 लिया है और मैं इसमें से भी कम ही डालने वाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं, गुड़ यूज कर सकते हैं।
सारी चीनी भी इसमें पानी छोड़ने लगी है। इसमें मैं जैसे कि भी कोकोनट ऐड करने जा रही हूँ, तो जिसे नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। अगर आप चाहें तो इसके कलर भी ऐड कर सकते हैं, फूड कलर, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ क्योंकि ये कल हमारी मिठाई की फॉर्म में मैं इसे बना रही हूँ। अगर आप इसे हलवे की फॉर्म में खाना चाहते हैं तो बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़े से अपनी पसंद की ड्राई फ्रूट ऐड कीजिए और ये हलवा रहे कद्दू का, लेकिन हम इसे बर्फी की फॉर्म में बनाने जा रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा कुक और कर लेते हैं, फिर हम इसे जमाने के लिए रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। हम बर्फी को फैलाने के लिए, बर्फी को सेट करने के लिए लगाकर ये रेडी कर लेते हैं। अब ये प्लेट घी लगकर रेडी हो गई है, अभी हम इसमें बर्फी का तैयार बैटर निकालेंगे। अब हम कद्दू बर्फी या फिर आप इसे पेठा बर्फी बोलिए या फिर सीताफल बर्फी बोलिए, हमने जो इसे पकाकर तैयार किया है इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे अच्छे से सेट करने के लिए कद्दू बर्फी को जो हमने पकाया था, अब इसको बर्फी की शेप देने के लिए हम इसे सेट करने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। बाहर भी छोड़ सकते हैं, हम इसे फ्रीज में रखते हैं सेट होने के लिए। हमारी कद्दू बर्फी फ्रिज में सेट हो चुकी है, अभी हम इस पर सिल्वर वर्क लगा रहे हैं। आप इसे कैसे भी डेकोर कर सकते हैं, आप इस पर ड्राई फ्रूट कतरन लगा सकते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बर्फी बनकर तैयार है। अब हम इसे कट कर लेते हैं पीसेस में बर्फी फॉर्म बनाने के लिए। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, वो कितनी आसानी से कट रही है। हलवाई स्टाइल कद्दू बर्फी अपने घर पर कभी भी बनाइए, एंजॉय कीजिए।
व्रत में बनाइए या फिर कभी भी जब आपका मन करे। एक बार खाएंगे तो इसे बार बार बनाकर खाने का मन करेगा। बड़ी ही आसानी से कटती जा रही है। हमारी बर्फी पीसेस में कट चुकी है। हम इसे पिस्ते की चटनी से लगाकर इसे और भी ज्यादा बना लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल लगती जा रही है हलवाई स्टाइल, जैसे बाजार में मिलती है बर्फी। हमारी हलवाई स्टाइल कद्दू बर्फी बिल्कुल तैयार है। घर पर बहुत ही आसानी से बनकर अब इसे सर्व करते हैं। देखिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल कद्दू बर्फी बनकर तैयार हुई है। घर पर ही हमारी हलवाई स्टाइल कद्दू बर्फी तैयार है। मैं एक पीस आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी अच्छी है और कितनी। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनी है, लग रही है ना बिल्कुल लाजवाब, बहुत ही टेस्टी होगी। इतनी अच्छी कद्दू बर्फी बनकर तैयार हुई है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप इसे बनाकर एंजॉय कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।